YouTube फैमिली फिरदौस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन पुलाव। मटन को कुकर में धुल के डालते हैं। इसमें हरी मिर्च, नमक, ऑयल डाल के इसे हम बॉईल करेंगे, फ्लेम पे रख देंगे। आप देख सकते हैं कुछ मसाले लिए हैं हमने, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, मिर्च, हरी धनिया, कुछ खड़े मसाले। इसको हम पीसेंगे। पीसने के बाद फ्लेम पे भगोने को रखेंगे। इसमें डालेंगे हम ऑयल। इसको गर्म होने के बाद इसमें खड़े मसाले, लाल मिर्च भी डालेंगे। उसके बाद इसमें जो चॉप की हुई प्याज है उसको भी ऐड कर देंगे। इसको चलाएंगे। चलाने के बाद बॉईल किया हुआ मटन ऐड कर देंगे इसको, जो कि 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करना है हमें। और अभी इसको चलाएंगे हम अच्छे से, और इसमें कटे हुए टमाटर भी ऐड कर देंगे हम और पिसा हुआ मसाले भी डालेंगे। और धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें और लाल मिर्ची पाउडर और गरम मसाले पिसे हुए। और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद मटन बॉईल किए थे उसका पानी भी इसमें ऐड कर देंगे हम। और इसमें कुछ तेज़पत्ते भी ऐड करेंगे हम और इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बंद कर देंगे। इसमें नींबू का रस भी डालेंगे हम और इसको स्लो फ्लेम पे पकने देंगे हम। और दूसरी तरफ गैस की फ्लेम पे राइस बॉईल कर सकते हैं हम। राइस में हम डालेंगे मिर्च, सौंफ, जीरा, कुछ खड़े मसाले, स्वाद अनुसार नमक डाल के और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें हम। इससे चावल बिखरे हो जाते हैं। दूसरी तरफ फ्लेम पे चढ़ाएंगे हम इसको, बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा मटन और राइस दोनों तैयार है। राइस को मटन में ऐड करेंगे हम। और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे हम। मिक्स करने के बाद इसमें कलर भी डालेंगे हम और हरा धनिया, कड़ी पत्ते भी डालेंगे हम। अब इसे हम 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा मटन पुलाव बनके तैयार है। आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के सर्व कर सकते हैं फिरदौस किचन यूट्यूब चैनल पे। अगले तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।